नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आनिषेक फलन क्या है और आनिषेक फलन का क्या महत्व है। जैसे कि प्रश्न है, आनिषेक फलन क्या है, इसका महत्व लिखो। आनिषेक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोकार्पी। उत्तर है आनिषेक फलन। आनिषेक फलन को हेडिंग के रूप में लिखेंगे, फल के विकास की वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय निषेचन क्रिया के बिना ही फल में परिवर्तित हो जाता है, आनिषेक फलन कहलाती है। फल के विकास की वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय निषेचन क्रिया के बिना ही फल में परिवर्तित हो जाता है, आनिषेक फलन कहलाती है। यह प्रक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। पहली है प्राकृतिक आनिषेक फलन और दूसरी है कृत्रिम आनिषेक फलन। प्राकृतिक आनिषेक फलन, अंडाशय को बिना उपचारित किए हुए एवं बिना परागण और निषेचन के बीज रहित फलों का बनना प्राकृतिक आनिषेक फलन कहलाता है। अंडाशय को बिना उपचारित किए हुए एवं बिना परागण और निषेचन के बीज रहित फलों का बनना प्राकृतिक आनिषेक फलन कहलाता है। उदाहरण है अंगूर, केला आदि। कृत्रिम आनिषेक फलन, जब पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन्स के छिड़काव से बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है तो इसे कृत्रिम आनिषेक फलन कहते हैं। जब पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन्स के छिड़काव से बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है तो इसे कृत्रिम आनिषेक फलन कहते हैं। उदाहरण है अमरूद, अनानास आदि। आनिषेक फलन का महत्व, पहला है इस क्रिया द्वारा उत्पन्न फल मांसल एवं गूदेदार होते हैं, अतः इनका खाद्य महत्व बढ़ जाता है। आनिषेक फलन से, जो आनिषेक फलन की क्रिया द्वारा उत्पन्न फल मांसल एवं गूदेदार होते हैं, अतः इनका खाद्य महत्व बढ़ जाता है। दूसरा है बीज रहित फल बाजार में अपेक्षाकृत उच्च कीमत पर बिकते हैं। जो बीज रहित फल होते हैं वो बाजार में अपेक्षाकृत उच्च कीमत पर बिकते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।